जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मंचर मूवीज के एक और हिंदी रिव्यू में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिल्म एल कमीनो को। अरे ये नहीं, ब्रेकिंग बैड की मूवी एल कमीनो। तो दोस्तों एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और दोस्तों गेम थ्रोन्स के सीजन 8 की तरह इन लोगों ने हगा नहीं है, तो ये फिल्म एक्चुअली देखने में भी अच्छी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ सीजन 5 खत्म हो जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि वॉल्टर नाजी गैंग को मार देता है और उसके बाद खुद भी घायल हो जाता है। जो जेसी है वो एक किसी गाड़ी में फरार हो जाता है, और फिल्म शुरू होती है जहाँ जेसी के पीछे पुलिस पड़ी है, क्योंकि जेसी एक फरार मुजरिम है। दोस्तों पूरी फिल्म जेसी के पर्सपेक्टिव से है, और हमको दिखाया गया कि जेसी क्या क्या करता है ताकि जेसी को पुलिस ना पकड़ सके और जेसी जो है वो फरार होने में कामयाब हो सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन की। तो ये फिल्म देखने में लगती है कि एक और ब्रेकिंग बैड का एपिसोड है, पर ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये फिल्म जैसे ये पर्सपेक्टिव से है तो चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से दिखाई गई हैं, जो वॉल्टर के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है। दोस्तों जो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। जो कुछ शॉट्स हैं जो दिखाए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, और जिस तरह से उन शॉट्स को दिखाया गया है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों जो फिल्म की पेसिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, तो किसी मोमेंट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ये फिल्म देख के बोर होने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो अब इस वीडियो के आगे आने वाले पार्ट में कुछ स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये फिल्म देख लीजिए। पर अगर आपको स्पॉयलर्स से कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। You ready? Yeah. चलिए दोस्तों बात करते हैं हम पुराने कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि वॉल्टर इस फिल्म में है कि नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉल्टर का एक छोटा सा रोल है इस फिल्म में, पर वो एक फ्लैशबैक है। इस फिल्म के शुरुआत में ही कंफर्म कर दिया जाता है कि वॉल्टर की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों वॉल्टर जैसे ही जब अपने आर्मी में कुक करते थे तो वो कुक के बाद वो एक होटल में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो वो एक छोटा सीन है जो वॉल्टर का दिखाया गया है। दोस्तों कुछ और पुराने कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं, जैसे माइक जो फिल्म के बहुत शुरू में ही दिखाए गए हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड जेन जिसके 2-3 सीन्स हैं, और दोस्तों जैसे के पुराने दोस्त जो अभी भी जिंदा हैं स्किनी पीट और बैजर, वो लोग भी फिल्म में हैं। दोस्तों फिल्म में कुछ और पुराने कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि टॉड जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और क्योंकि ये फिल्म जैसे के पर्सपेक्टिव से है तो दोस्तों तो ये दिखाया गया है कि टॉड और जैसे के बीच में क्या रिलेशनशिप थी। दोस्तों फिल्म के बारे में एक चीज़ अच्छी ये है कि कोई भी सीन ऐसा नहीं है जो हम ब्रेकिंग बैड में ऑलरेडी देख चुके हैं। जो भी सीन है दोस्तों वो या तो फ्लैशबैक्स है या उनको दोबारा से शूट किया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरे विचार जो इस फिल्म के बारे में है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ब्रेकिंग बैड का एक और सीज़न बनाना चाहिए था इन लोगों को, या क्या ब्रेकिंग बैड को वहीं छोड़ देना चाहिए था। दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो फिल्म है इसको एक मिनी सीरीज़ बना सकते थे। चलिए दोस्तों ये फिल्म भी अच्छी है, मेरे को ना डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं था, तो एक तरह से मेरे को इन लोगों ने लटका हुआ छोड़ दिया। अब अगर ये ब्रेकिंग बैड की एक और फिल्म बनाते हैं या ब्रेकिंग बैड से रिलेटेड कुछ और बनाते हैं जैसे बेटर कॉल सॉल है, तो वो मैं देखना ज़रूर पसंद करूँगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें फिल्म के डायरेक्टर विंस गिलिगन की, तो उन्होंने अपना जादू फिर से दिखाया है। जो काम उन्होंने ब्रेकिंग बैड में किया है या बेटर कॉल सॉल में किया है, वैसा ही सेम हमें इधर ब्रेकिंग बैड की फिल्म में भी दिखाई देता है। दोस्तों आपको लगेगा कि आप ब्रेकिंग बैड का एक और एपिसोड देख रहे हैं, और क्योंकि इस फिल्म का बजट काफ़ी कम था तो ये एक ब्रेकिंग बैड के एपिसोड के बराबर ही रहा है। दोस्तों मेरे को ये फिल्म बहुत बढ़िया लगी, और अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप ये फिल्म ज़रूर देखिए। ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, और अगर आप US में रहते हैं तो फिर दोस्तों आप इस फिल्म को जाके थिएटर में भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आ जाते रेटिंग पे। तो इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए मैं इसको दूंगा 5/4 स्टार। आयरन बॉल के एक्टिंग के लिए मैं दूंगा 5/3 स्टार, और ओवरऑल मैं इस फिल्म को दूंगा 5/3 स्टार। दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप ये फिल्म जाके ज़रूर देखिए, और क्योंकि आप ये नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे बैठ के ये फिल्म देख सकते हैं। अगर आप ब्रेकिंग बैड के बहुत बड़े फैन हैं तो दोस्तों आपको ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और हमारे बाकी वीडियोज़ को ज़रूर जाके देखिए। हम लोग और फिल्म TV के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाते हैं, और आपको वो वीडियोज़ काफ़ी पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अब मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आप स्वस्थ रहिए।